हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपमास वर्ल्ड। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। तो ये देखिए, अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी खट्टी मीठी अमचूर वाली चटनी। ये मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर ले लिया है और अब हम इसको ऐसे पानी मिला के लिक्विड घोल बना लेंगे। एक पतला इस तरह से एक घोल रेडी कर लेंगे अपना, अच्छे से मिला लेंगे, कोई लम्ब्स नहीं होने चाहिए इसमें। तो ये हमारा घोल बन के रेडी है अमचूर पाउडर का। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, पैन में डाल लेंगे हम 2 बड़े चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल लेंगे अच्छे। इसको गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे हम 2 पिंच हींग, जो आएगा 2 पिंच 1 चम्मच मेथी दाना। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये देखिए, हमारे गैस का फ्लेम कर देंगे लो और हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अपना ये घोल बनाया हुआ। इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे, इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ही नमक। अब हम इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे। इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। इसको ऐसे चलाते रहेंगे और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल शक्कर। अगर आपके पास शक्कर ना हो तो आप इसको चीनी से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से 1 बाउल शक्कर ऐड करेंगे। अब देखिए, इसमें बॉयल आ गया है अब हम इसमें ये शक्कर ऐड कर देंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पर कम से कम 15-20 मिनट पकने देंगे। इसी तरह इसमें उबाल आने तक पकने देंगे इसको। और जब ये हमारी 15-20 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे, ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, तब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। तो अब देखिए, अब मैं इसको इसी तरह से चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसको चलाती रहूँगी और इसको चलाते हुए हम इसे पकाएँगे अच्छे से। तो ये हमारी अमचूर की खट्टी मीठी चटनी बनके रेडी हो जाएगी। आप इसको टेस्ट करके देख सकते हो, अगर आपको लगे कि नमक कम ज़्यादा है तो डाल सकते हो, या मीठा आपको तेज रखना है या कम रखना है, जैसे भी रखना है इसको टेस्ट करके आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। आप इसको शक्कर ना हो तो आप इसको चीनी से भी बना सकते हो। देखिए, इस तरह से इसमें लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको इस तरह से बॉईल होने देंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए। तो उसके बाद हमारी ये चटनी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, अब ये जो हमारी रेड कलर की खट्टी मीठी चटनी बनी थी, इसको मैं आपको स्टोर करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमें एक कांच का जार लेना है, इसको बहुत ही अच्छे से गर्म पानी से धो के सुखा के लेना है। गीला हमें बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम साफ़ सुथरा धो के हमने सुखा के ले लिया है। इस लाल चटनी को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये लाल चटनी अपनी इस कंटेनर में भर ली है और इसको आप इस तरह से लिड लगा के आप इसको फ्रिज में रख के 1 से 2 महीना स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए, ये हमारी खट्टी मीठी रेड चटनी तैयार है। जब भी आप किसी भी टिक्की के साथ, छोले के साथ या फिर रोटी सब्जी के साथ भी इसको खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। इस तरह से आप इसको 1 से 2 महीने अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप आप सबको मेरी ये रेड चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।